हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, हम जब भी मार्केट में कोई मॉनिटर, टीवी या स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो एक चीज हम जरूर देखते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन, लाइक एसडी, एचडी, एफएचडी, क्यूएचडी, यूएचडी। तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन होता क्या है और कैसे हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस को इफेक्ट करता है और हमें कौन सी डिस्प्ले लेना चाहिए और कौन सी अवॉइड करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। रेजोल्यूशन का संबंध होता है पिक्सल से, ना कि स्क्रीन साइज से। डिस्प्ले में बहुत छोटे छोटे मिलियंस पिक्सल्स होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करके हमें कंटेंट दिखाते हैं। मान लो एक डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 5x3, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली 5 पिक्सल्स और वर्टिकली 3 पिक्सल्स है, टोटल 15 पिक्सल्स। चाहे स्क्रीन साइज जितनी भी हो, एक 4 इंच का डिस्प्ले में 15 पिक्सल्स हो सकता है और एक 8 इंच का डिस्प्ले में भी 15 पिक्सल्स हो सकता है। लेकिन 8 इंच का डिस्प्ले में पिक्सल साइज बड़ा होगा, जिससे इमेज थोड़ा ब्लर दिखेगी, देखने में मजा नहीं आएगा। इसलिए बड़ा स्क्रीन में पिक्सल काउंट को बढ़ाया जाता है, ना कि पिक्सल साइज को, ताकि इमेज या वीडियो मस्त, पंची, क्लियर और कलरफुल दिखे। तो ये जो रेजोल्यूशन है, ये मूल रूप से डिस्प्ले में पिक्सल्स के संख्या को दर्शाती है। एसडी अर्थात स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जिसका रेजोल्यूशन होता है 640x480 पिक्सल्स, अप्रोक्स 300,000 पिक्सल्स। एचडी अर्थात हाई डेफिनेशन, जिसका रेजोल्यूशन होता है 1280x720 पिक्सल्स, ऑलमोस्ट 1,000,000। FHD अर्थात फुल हाई डेफिनेशन, जिसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080 पिक्सल्स, अप्रोक्स 2,000,000 पिक्सल्स। QHD अर्थात क्वाड हाई डेफिनेशन, जिसका रेजोल्यूशन होता है 2560x1440 पिक्सल्स, अप्रोक्स 3.6,000,000। और UHD अर्थात अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, जिसका रेजोल्यूशन होता है 3840x2160 पिक्सल्स, अप्रोक्स 8,000,000 पिक्सल्स। मतलब अगर आपके पास एक 6.5 इंच का फुल HD स्क्रीन स्मार्टफोन है तो उसमें अप्रोक्स 2,000,000 पिक्सल्स है। तो ये कितने छोटे होते हैं आप सोच ही सकते हो। अब रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज जितना भी हो, इसके अलावा एक और फैक्टर भी मैटर करता है, वो है PPI। PPI यानी पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच में कितना पिक्सल्स होंगे, लाइक 300 PPI, 350 PPI, 410 PPI। तो 410 PPI मतलब एक इंच में 410 पिक्सल्स, पिक्सल्स पर इंच। तो जितना ज्यादा PPI, उतना ही बेटर डिस्प्ले, उतना ही बेटर क्लैरिटी और उतना ही बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। तो कौन सा डिस्प्ले बेस्ट है? पहले के जमाने जो CRT टीवी या बजट स्मार्टफोन आता था, उनमें HD डिस्प्ले होता था। तो ये अब लेना भी नहीं चाहिए और आप ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन HD डिस्प्ले लो बजट फोन में आते हैं, बट टीवी और मॉनिटर 720 पिक्सल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि टीवी या डिस्प्ले साइज बड़ा होता है तो इमेज वीडियो डिस्टॉर्टेड फील होते हैं। सबसे बेस्ट है फुल HD फोन और टीवी दोनों के लिए। इसमें 2,000,000 से ज्यादा पिक्सल्स होते हैं तो कंटेंट कंज्यूम बढ़िया होते हैं और प्राइस भी रिजनेबल होते हैं। लेकिन वहीं 2K या 4K डिस्प्ले महंगे आते हैं और हमारा ह्यूमन आई फुल HD के ऊपर डिस्प्ले क्वालिटी में डिफर नहीं कर पाती, तो ये लेने का कोई फायदा ही नहीं। अनलेस आप बहुत बड़े टीवी या मॉनिटर ले रहे हो, तब 2K डिस्प्ले विल बी गुड फॉर यू। लेकिन 4K डिस्प्ले हमारे कोई काम का ही नहीं। पैसा है तो लो, वरना 2K इज स्वीट स्पॉट। और अब तो 8K डिस्प्ले भी आ रहे हैं, व्हिच इज टोटली इलॉजिकल। 8K या 16K सिर्फ थिएटर में ही यूज होते हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए है। ऊपर से अभी तक कोई खास 8K कंटेंट भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो अवॉइड 4K एंड 8K, 8K इज मोस्ट अवॉइडेबल। तो मैंने आपको बता दिया डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या होते हैं और कौन सी हमें लेना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक स्टे चिल विद टेक्नो चिल।